और एक बार फिर से आप सभी का इस जंगल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आया हूं यहां पर रुगड़ा चुनने के लिए। इधर देख के लग रहा होगा ये वाला अपना एरिया नहीं है, दूसरा गांव आया हूं यहां। अभी बहुत देर खोजने के बाद में मिला है, दिखा रहा हूं कैसे जमीन फाड़ के निकला है एकदम। और ये सखुआ पेड़ का नीचे होता है। यहां पर देखिए ऐसा ये वाला भी है और इसमें भी है, इसमें इसमें भी है। छाता पकड़ी है वो दीदी है, और जो उधर है वो दीदी का लवर है। कहां कहां हटवा देख। हम लोगों का ग्रुप यहाँ पर अलग अलग हो चुका है। हम लोग 5 आदमी है, 2 आदमी हम साला भाटू यहाँ पर है, और 3 माँ बेटी और 1 जन है, उसको नहीं दिखाऊंगा। बहुत देरी के बाद में यहाँ पर कहा कहा भाई कहा। हाँ, चल निकला 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 निकला। यहाँ पर अभी इतना सारा आधा प्लास्टिक लगभग हो गया। एक ही जगह में तो ढेर सारा मिला, लेकिन उसके बाद में अभी मिल ही नहीं रहा है। पूरा नीचे साइड एकदम ढलान है, और इधर इधर पूरा चढ़ान है एकदम चढ़ान। तो हम लोग इधर अभी जाएंगे। इधर ऐसा वाला आदमी को मिलता है ना रुगड़ा, मेरा भटुआ बताएगा, बता दे बेटा कैसा आदमी को मिला रुगड़ा। रुगड़ा ना जिसका नजर तेज रहता है उसी वही को मिलता है। हाँ, शहर तरफ इसका 1 पाव का दाम 250 रुपया, 1 पाव का 250 रुपया मतलब 1000 रुपया किलो रहता है। और देहात तरफ इधर मेरा भाटू बता रहा था कि 130 रुपया यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सामने रहता है ना, इसीलिए यहीं से लेकर शहर तरफ बेचते हैं। तो 1 पाव का दाम 250 रुपया, क्योंकि सीजन में एक बार मिलता है। और इसका टेस्ट क्या बताओ, अपने आप में एक अनोखा स्वाद है इसका, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। अभी जिस जंगल में हम लोग है, ये जंगल का नाम है कडरू जंगल ना है। एक ही जगह में तो ढेर सारा मिला, लेकिन उसके बाद में अभी मिल ही नहीं रहा है। अभी लगता है बहुत अच्छा जगह में आ गए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है। एक ही जगह में इतना सारा मिल गया, ये सबका आंख में यूरा नहीं दिखता, उसके लिए ऐसा वाला आंख चाहिए, एकदम पूरा चील वाला आंख चाहिए। चील वाला पूरा एकदम चील जैसे ऊपर से नहीं देखता, ऊपर से अपना शिकार को देख के एक बार नीचे साए करके आता है, वैसे करके मतलब वैसा वाला आंख चाहिए देखने के लिए, एकदम पावर वाला। ये क्या है ये वाला है, क्या यह चीज कहा है बाबा, ये क्या कर रहे। अच्छा कुकड़ी है क्या, कौन सा प्रजाति करेंगे, रुकने निकलाती निकला तो इतना बड़ा है। और देखिए बाप रे इतना बड़ा मिल चुका है यहाँ पर, इसका नाम क्या है पता नहीं मुझको। भटवाई वाला जंग का कुकड़ी है बोला, जंगली वाला है। इस वाला प्लास्टिक में इतना सारा हुआ है, लगभग भरने ही वाला है, और इसमें कुकड़ी है मशरूम। अभी दिखा रहे मेरी माँ कौन सा कुकड़ी चुनी है उसको, ये वाला क्या नाम है इसका, ये वाला बोरंडो कुकड़ी बोला है। इसको हम लोग का लैंग्वेज में बोरंडो कुकड़ी बोलते हैं, बोरंडो बोरंडो मतलब मेढक होता है नहीं। हाँ। मेढक। तो देखिए कैसा गोल पूरा अंडा जैसा, बॉयल अंडा जैसा दिख रहा है ना एकदम। लगभग 1 घंटा का सफर करके हम लोग इतना दूर यहाँ पर आए हैं रुगड़ा खोजने के लिए, लेकिन अभी तक प्लास्टिक बुराने नहीं सके, और हम लोग को चुनते हुए 2 घंटा हो गया है यहाँ पर। झारखंड का जंगल ऐसा ही रहता है, सखुआ पेड़ से पूरा एकदम भरा हुआ, और देखिए पत्ता एकदम पूरा हरा हरा हो गया है। हम लोग निकल चुके हैं जंगल से, और इधर देखिए जंगल खत्म है यहाँ से, और पीछे यहाँ से जंगल शुरू होता है। अभी हम लोग थक के बैठ चुके हैं, और यहाँ पर इतना सारा मिला है, ये हाथ में है एक, ये प्लास्टिक भर ही गया है यहाँ पर, ये लगभग 1 पाव से ज्यादा होगा, और यहाँ पर इतना सारा है, दोनों को मिला दूंगा तो आधा किलो लगभग हो जाएगा ये दोनों को मिला के, और इसको अभी घर जाके बना के खाएंगे। और अभी हम लोग सब यहाँ पर बैठ चुके हैं, ये वाला महुआ का पेड़ है नहीं। हाँ। महुआ का पेड़ है यहाँ पर, सारे लोग थक के बैठ चुके हैं। उधर भटुआ से कहा भटू देखा, 5 आदमी आए थे लेकिन उतना सारा नहीं मिला, 5 आदमी के लिए थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन सबने अपना अपना हिस्सा का यहाँ पर चुन ही लिए हम लोग। और यहाँ पर गन्ना का खेती किया गया है, देखिए ये वाला नहीं, ये वाला गन्ना नहीं है, ये वाला कुटी है जो खटाल सब में गाय सबको खिलाता है, वही सबको यहाँ पर खेती किया गया है। यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ ऐसा वाला खेती यहाँ पर, आप लोग को पता होगा तो बताइएगा, आप लोग का साइड में होता है तो। यहाँ पर देखिए पूरा गन्ना जैसा दिखता है, एकदम ओ वाला जंगल में हम लोग गए थे, और अभी इतना दूर आ गए हैं।
अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर रुगड़ा चुनने गए थे, वहाँ पर वो हम लोग का दीदी घर थी, मतलब मेरी माँ की दीदी की बेटी का घर गए थे ना माँ, वहाँ पर गए थे। और वहाँ से हम लोग अभी आ चुके हैं और आते आते शाम भी हो गया है और मेरी माँ अभी यहाँ पर रुगड़ा धो रही है। अभी इसको अच्छा से साफ से पूरा एकदम जितना मिट्टी था उसको अच्छा से साफ करेंगे, उसके बाद में इसका एकदम पूरा काटेंगे फिर। हाँ, जो ये ब्लैक ब्लैक वाला है ना, ये वाला ज्यादा टेस्ट लगता है बोलते हैं। और यहाँ पर अभी डाल चुके हैं साथ में आलू प्याज और तेजपत्ता, इसको बाद में इसको अच्छी तरह से लाल होने देते हैं। उसके बाद में हम लोगों का आज ई वाला लाए हैं साथ में चिकन, और स्पेशल चीज है कहे कि रुगड़ा के साथ में चिकन खाने के लिए मजा लगता है। और आज हम लोग का 19 साल का फर्स्ट बार है। अभी नमक डला चुका है, उसके बाद में इसको मिला लेते हैं। अभी इसका पारी आ चुका है रुगड़ा का, इसको इसमें जाने का, कढ़ाई में जाने का। अभी यहाँ पर मसाला डला रहा है, पानी सूख चुका है, उसके बाद में मसाला। अरे बाबा, अरे बाबा, और इधर देखिए पूरा कंप्लीट होने के बाद में अभी कैसा दिख रहा है।